Hello students, I am Ashwini Mate. Today topic is power in work. Power ये जो chapter है ये work power and energy chapter में से लिया गया है, ठीक है? और ये हमारे workshop calculation science का topic है. अब power की बात करें तो देखिए, अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके हम लोग लगती है शक्ति. Power को हिंदी में क्या कहा जाएगा? शक्ति. क्या कहा जाएगा? शक्ति. बराबर. पावर को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? शक्ति कहेंगे. अब देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझ में शक्ति नहीं होगी तो मैं बात कर सकूंगी क्या? नहीं. यानी मुझे अगर कोई भी कार्य करना है, किसी प्रकार का भी कार्य करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? शक्ति. तो हम नॉर्मल ऐसा सोचते हैं कि देखो भैया, अभी जैसे हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, तो एक काम हम लोग ज्यादा शक्ति से कर लेते हैं और एक दूसरी शक्ति से. ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कितनी है, क्योंकि ऊर्जा है, ठीक है. तो हम उसको शक्ति द्वारा कार्य करेंगे, ठीक है. तो शक्ति का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो उसके लिए ये है डेफिनेशन है. शक्ति की परिभाषा लिख देती हूँ मैं आपको. कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है. अब कार्य करने की दर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दो इंसान हैं, ठीक है, हम लोग रेस करते हैं. रेस जैसे हम लोग की रनिंग रेस है, पांच लड़के रेस में खड़े हैं, पांचों को भी सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बराबर. लेकिन पांच जब दौड़ते हैं तो विनर एक ही निकलता है, विनर एक ही निकलता है. तो कंसीडर क्या किया जाता है कि जो पहला निकला उसमें शक्ति कैसी थी? सबसे ज्यादा थी. उसने शक्ति सबसे ज्यादा लगाया, यानी उसने क्या किया, जो उसका जो रनिंग वाला पोर्शन था वो उसका कार्य हो गया. अब हम लोग उसको जज किसके अनुसार के डिस्टेंस तो सेम थे, पांचों को दौड़ने के लिए लगने वाला डिस्टेंस तो टोटली सेम था, बराबर ना. लेकिन जब वो एक पॉइंट से दूसरे जाकर गया और जो लोग जल्दी पहुंचे, जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा वो विनर हुआ, ठीक है. यानी उसने कार्य कितने समय में किया इसके अनुसार हम लोग ने उसकी शक्ति निकाली और शक्ति अनुसार वो विनर निकला. आधार किसी भी कार्य करने की दर को कहा जाएगा शक्ति, ठीक है. समय के बाद आप लोगों को किसी भी कार्य करने की दर को क्या कहा जाएगा? शक्ति कहा जाएगा. इसलिए दर यानी समय, दर का मतलब होता है समय. इसका सूत्र होता है कार्य डिवाइडेड बाय समय. कार्य डिवाइडेड बाय समय, ठीक है. किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय लगेगा उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या निकालेंगे? शक्ति निकालेंगे. क्या निकालेंगे? शक्ति निकालेंगे, बराबर. शक्ति बराबर कार्य डिवाइडेड बाय समय. यानी किसी भी कार्य करने के लिए जो हमें समय लगेगा, जो समय की तरह उसका कैलकुलेशन होगा, उसे हम लोग कहेंगे कार्य, सॉरी शक्ति कहेंगे. सॉरी, अब शक्ति के यूनिट हमको देखना पड़ेगा. शक्ति के क्या देखना पड़ेगा हमको? यूनिट. जैसे हम लोग ने कार्य के यूनिट देखे थे एकक देखते, वैसे हमको शक्ति के भी एकक देखने पड़ेंगे. तो यूनिट किसके हैं? ऑफ पावर, यानी शक्ति के यूनिट, ठीक है. अब यूनिट ऑफ पावर को हम लोग ने दो भागों में विभाजित किया. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमको एक एमकेएस में करना है और एक सीजीएस में करना है. एक बारी है एमकेएस की और दूसरी पारी है सीजीएस की. एक पारी है एमकेएस की और दूसरी पारी है सीजीएस की, ठीक है. अब एमकेएस में सूत्र लिखो हम लोग पावर को, हम लोग शो करके करेंगे. यहाँ पे देखिए, डेल्टा पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी पी यानी पावर, W यानी वर्क और T फॉर टाइम. इसको हम लोग इस वे से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व भी करेंगे तो हम लोग इस वे से लिखेंगे. P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इधर पे भी आएगा. अब वर्क को ध्यान में रखो, वर्क को एमकेएस में क्या स्टार्ट करते थे हम लोग? जून में. ध्यान में रखो कि वर्क का यूनिट एमकेएस में क्या है? जून है, इसलिए हमने यहाँ पे जून लिखा. और
सेकंड, जैसे मैंने बताया कि हमेशा एमवीएस एस फॉर सेकंड, तो यहाँ पे आएगा टाइम यूनिट आएगा सेकंड। ठीक है, अब जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हो तो भी ये वैलिड है, या फिर इसको ही दूसरा नाम दिया गया है वैट। इसको भी क्या दूसरा नाम दिया गया है? वैट दिया गया है। इसे आप लोग नॉर्मली देखोगे कि पावर का यूनिट क्या होता है? वैट होता है। लेकिन पावर का यूनिट जो वैट में होता है वो कौन से सिस्टम में होता है? एमके सिस्टम में होता है। कौन से सिस्टम में होता है? एमके सिस्टम में। ठीक है, देन उसके बाद इसे में आते हम लोग पावर वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान रखिए वर्क का यूनिट क्या था सीजीएस में? वर्क का यूनिट सीजीएस में था ग्राम पर सेकंड या फिर अर्ग था, बराबर। यहाँ पे हम लोग अर्ग लिखेंगे, अर्ग डिवाइडेड बाय टी यानी सेकंड। ठीक है, अब अर्ग पर सेकंड का इन्होंने दूसरा नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे आएगा अर्ग पर सेकंड। ओके, तो आप लोग को समझ में एक बार, हम लोग एक बार इस टॉपिक को रिपीट करते हैं, आप अच्छे से सुनिए। देखिए शक्ति यानी क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी हम लोग अगर कोई भी कार्य करते हैं और उसे हम लोग समय के अनुसार मापते हैं तो हम उस कार्य में लगने वाली शक्ति ज्ञात होती है, उस कार्य में लगने वाली शक्ति ज्ञात होती है, बराबर। अब शक्ति का सूत्र है कार्य डिवाइडेड बाय समय, P इक्वल टू W अपॉन T, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम, P फॉर पावर। अब यूनिट ऑफ पावर जब निकाला हमने तो पावर एक कप दो इसमें निकालने हैं, एक एमकेएस में और एक सीजीएस में। एमकेएस में पावर का यूनिट होगा वाट और सीजीएस में पावर का यूनिट होगा अर्ग पर सेकंड। क्या होगा? अर्ग पर सेकंड। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक बात और रह गई आपको बताने की, ये तो क्या एमकेएस और सीजीएस है, लेकिन हम जब मशीन में यूनिट गिनते हैं फॉर व्यवहारिक अश्व शक्ति होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? व्यवहारिक शक्ति का मात्रक यानी एक व्यवहार, तो उसमें कहा जाएगा उसे कहा का मात्रक अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। अश्व शक्ति को ही हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्स पावर। मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। देखिए हम मार्केट में मोटर खरीदते हैं, समझ जाइए इंडक्शन मोटर लेते हैं, सिंगल फेस मोटर खरीदते हैं, तो हमेशा जब उसका वैट गिना जाता है, जब पावर गिना जाता है, वो हॉर्स पावर में गिना जाता है। काय में गिना जाता है? हॉर्स पावर में। क्योंकि कैसा होता है वैट, अब मोटर की शक्ति कैसी होंगी? ज्यादा होंगी, तो उसमें क्वांटिटी नंबर भी ज्यादा होती है, तो हम लोग उसको वैट में नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग काय में गिनते हैं उसको? हॉर्स पावर में। 1 HP है, 2 HP है, 5 HP है, क्योंकि इनमें रिलेशन है। 1 HP बराबर 746 वैट, कितना होता है? 746 वैट होता है। 1 HP यानी कितना? 746। यानी अगर हम 2 HP बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 746 को 2 से इंटू करेंगे, 5 HP बोलेंगे तो क्या होगा? 746 से 5 से। तो वो नंबर बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं, इसलिए क्या होता है कि मशीनरीज इंडस्ट्रीज व्यवहारिक भाग में शक्ति को जो मेजर किया जाता है उसमें हम लोग वैट का उपयोग न करते हुए उसका एकक यानी उसका यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, यानी अश्व शक्ति होता है। तो आप ये तीनों चीज को समझिए अच्छे से, एमकेएस में वैट, सीजीएस में अर्ग पर सेकंड, लेकिन जब मशीनरी की बात आएगी, व्यवहारिक बात आएगी, तो उसमें क्या आएगा? एचपी। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंजन की अश्व शक्ति। क्या है? इंजन
मैक्सिमम इंडस्ट्री इंजन पे वर्क करती है, आपको भी मालूम है। तो कैसा होता है, इंजन में अश्वशक्ति के दो भागों में विभाजित किया गया है। इंजन की अश्वशक्ति को कितने भागों में विभाजित किया है, दो। पहला है RHP और दूसरा है BHP। RHP को कहा जाता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और इसको कहा जाता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहा जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर। ध्यान में रखना, इंजन के अश्व शक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरा है ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरा क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर का कैसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने इंजन की बात करते, देखिए कोई भी इंजन का काम क्या है, एक एनर्जी को, एक शक्ति को पैदा करना, ऊर्जा को निर्माण करना, ठीक है ना। तो अगर कोई इंजन कोई एनर्जी कोई ऊर्जा या कोई शक्ति पैदा करता है यानी तैयार करता है तो उसको कहेंगे हम लोग इंडिकेटेड हॉर्स पावर। यानी इंजन के अंदर तैयार होने वाली शक्ति को क्या कहेगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ध्यान में रखना, अब ब्रेक हॉर्स पावर यानी क्या, BHP। देखिए अब संसार का या किसी भी मशीनरीज का ये नियम है कि अगर वो किसी इंसान को हम लोग ने बोला कि भैया तुम 100% काम करो तो 100% काम कभी नहीं करेगा, वो क्या करेगा 100% में से 5% लॉस करेगा, 95% काम करके रहेगा बराबर। तो सेम मशीनरी में भी होता है, क्या होता है कि जब इंजन में जब एनर्जी ऊर्जा तैयार होती है, शक्ति तैयार होती है, तो उस समय में उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट फंसता है, कहीं ऊर्जा हीट तैयार होती है, ऊष्मा तैयार होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से इंजन को अगर 100% शक्ति तैयार करना था वो उतना तैयार नहीं करता, वो क्या करता है 5% को क्या करता है, लॉस करता है। 5% को क्या करता है, लॉस करता है, यानी कहीं तो भी वेस्ट करता है, वेस्ट किन रूप में, फ्रिक्शन के रूप में, हीट के रूप में, इस टाइप के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो 5% जो लॉस हुआ उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहेंगे हम लोग, ब्रेक हॉर्स पावर। तो इंजन शक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरा होता है BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी क्या, अगर कोई इंजन काम करेगा तो ऑब्वियसली शक्ति तैयार करेगा, तो शक्ति तैयार करता है तो वो जो शक्ति उसको एम था कि भैया उसको इतनी शक्ति बनाना था तो वो उसका काम क्या कहेंगे हम लोग, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। लेकिन जब वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर बनाना होता है, उसको 100% बनाना होता है, लेकिन खुद के मशीनरी के लॉसेस के वजह से, एटमॉस्फेरिक लॉसेस की वजह से, हीट की लॉसेस के वजह से वो क्या करता है, कुछ परसेंट लॉस कर देता है। क्या करता है, कुछ परसेंट लॉस कर देता है। तो जो लॉस एनर्जी है उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ध्यान में रहेगा आप लोगों को, इंजन के अश्व शक्ति के दो टाइप है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और होता है दूसरा ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो आप इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दक्षता। देखिए अगर कोई भी मशीनरी कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसमें मैकेनिकल इफिशियंसी जरूर देखी जाती है। क्या देखी जाती है, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक है, जब देखिए इंडस्ट्री में कोई मशीनरी तैयार होती है तो जब तक उसका मैकेनिकल एफिशिएंसी गैप नहीं किया जाता उसको आगे में सामने में भेजा नहीं जा सकता। ओके, तो कैसा होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम लोग इस अक्षर द्वारा देखते हैं, ईटा। ठीक है, इस अक्षर द्वारा हम लोग शो करते हैं। ठीक है, बराबर इसका सूत्र है ब्रेक हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर
डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर इन 200% ध्यान में रहेगा आप लोगों को कि मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी बीएचपी डिवाइडेड बाय आईएचपी इन 200% यानी किसी भी मशीन को फॉर एग्जांपल 100% इसने क्यों क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पूरी मशीनरी ठीक है समझ जाओ ये मशीनरी मशीन है ठीक है इस मशीन को 100% क्या निकाला था आउटपुट निकाला था ठीक है लेकिन इसने क्या किया कुछ तो भी लॉस किया तो हमें उसको देखना था कि भैया इसने कितना प्रतिशत अच्छा काम किया क्योंकि उसको काम तो 100% करना था लॉस इसने 5% किया तो हमको उसका एक कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा कि ये कितना काम करता है देयरफॉर क्या बोलेंगे फिर ये 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100% समझ में आया आप लोगों को यानी बीएचपी यानी क्या उसमें हुआ हुआ लॉस डिवाइडेड बाय उसमें तैयार हुई एनर्जी ऊर्जा इंटू 100% ठीक है क्या बोला मैंने उसमें लॉस हुई शक्ति डिवाइडेड बाय उसमें तैयार हुई शक्ति इंटू 100% इसके द्वारा हम किसी भी मशीन की यांत्रिक दक्षता ज्ञात कर सकते हैं ये हमेशा प्रतिशत में दी जाती है क्या दी जाती है प्रतिशत में तो आपको ध्यान में रहेगा ठीक है और लॉस अगर हमें निकालना है तो लॉस के लिए निकालने के लिए सूत्र क्या रहेगा आईएचपी में से बीएचपी को माइनस कर दो तो हमें कितना लॉस हुआ मालूम हो जाएगा बराबर तो इस वे से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ध्यान में रहेगा आप लोगों को यांत्रिक दक्षता यानी क्या किसी भी मशीनरी की यांत्रिक दक्षता निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर आईएचपी यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर इंटू 100% ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हमें गणित करने हैं आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है हमें क्वेश्चन करते हैं ठीक है एक व्यक्ति है जो या एक वस्तु ठीक है जो 200 जूल कार्य 2 मिनट में करता है कितने मिनट में करता है 2 मिनट में करता है तो शक्ति ज्ञात कीजिए तो शक्ति ज्ञात कीजिए तो शक्ति ज्ञात कीजिए बराबर तो अभी जैसे कि हमको मालूम है कि वस्तु कितना है 200 जूल यानी क्या है उसका कार्य तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीवन कि क्या दिया है हमको जूल बोला तो कार्य दिया होता है कितना बोला उसने 200 जूल बोला ठीक है कितना समय दिया है समय कितना दिया उसने 2 मिनट अब मिनट क्या तो मैंने आपको हमेशा बताया कि मिनट को क्या में कन्वर्ट करना है सेकंड में इसलिए सेकंड में कन्वर्ट कर दो 2 into 60 यानी कितना हो गया 120 हो गया तो हमारे पास कितने सेकंड है 120 सेकंड है बराबर अब हमें क्या निकालना है पावर निकालना है क्या निकालना है पावर मैंने शक्ति निकालना है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम पावर इक्वल टू कितना है वर्क अपॉन टाइम वर्क कितना है हमारा 200 वर्क कितना है 200 है ठीक है और डिवाइडेड बाय समय कितना है 120 है 0 0 कैंसिल भाग दिया हमने 20 और 12 में भाग जाता है इसका 4 का लिखते हैं 4 5 20 4 3 12 अब इसको पूरा भाग दे दो ठीक है भाग नहीं आता हो तो एस पी से भाग 3 1 3 दो बचे 18 यानी रिपीट रिपीट होगा यानी 1.66 मिला लेकिन क्या
यानी क्या होगा, जूल पर सेकंड, और जूल को ही पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, वाट है। क्या नाम है, वाट। तो इस प्रकार हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हम लोगों को अगर कार्य दिया गया है और समय दिया गया है तो हम लोग शक्ति को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ने शक्ति का क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसके वैल्यूज को चेंज करके भी आप और क्वेश्चन को रिपीट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको शक्ति के टॉपिक्स अच्छे से मैंने क्लियर कराया है, हम लोग ने न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस लिया है। ठीक है, अभी इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसमें हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।